अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमदाहन है और आप लोग देखते हैं हमजा ऑफिशियल। अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग का फेसबुक अकाउंट डिसेबल हुई तो कैसे रिकवर कर सके, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हो। वीडियो इन तक जरूर देखिए ताकि समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर देना। ओपन करने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा कंपोज, तो आप लोग सिंपली कंपोज के ऊपर क्लिक कर देना। कंपोज पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली आप लोग यहां पर अपना जीमेल लॉगिन कर देना। मैंने पहले से लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद टू की जगह आप लोग एक ऑफिशियल जीमेल लिख देना, टाइप कर देना। मैं नोटपैड में एक ईमेल लगा दिया और आप लोगों की ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी ईमेल में कॉपी करता हूँ। आप लोग देखते हैं कि मैंने ईमेल कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद सिंपली पेस्ट कर देना। आप लोग देखते हैं कि मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप लोग सब्जेक्ट में टाइप कर देना योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल प्रॉब्लम। आप लोग देखते हैं कि मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद कंपोज ईमेल पर आप लोग एक अपील लिख देना। तो जल्दी मैंने एक अपील नोटपैड में लगा दिया और आप लोगों को ये अपील डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपील कॉपी करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पर अपील पेस्ट कर देना। आप लोग देखते हैं कि मैंने अपील पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ऊपर जो अटैच का आइकन आता है तो आप लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अटैच फाइल पर क्लिक कर देना और अपने अकाउंट का प्रूफ सेलेक्ट कर देना। आप लोग देखते हैं कि मैंने प्रूफ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद आप लोग सिंपली सेंड पर क्लिक कर देना। सेंड पर क्लिक करने के बाद आप लोग देखते हैं कि मैंने जो अपील और हेल्प सेंटर पर चला गया। बस आप लोग और कुछ नहीं करो, 10 दिन से 12 दिन तक वेट कीजिए, आप लोगों का अकाउंट रिकवर हो जाएगा। तो ये होगा आज की वीडियो। अगर आप लोग आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।